नमस्कार, वेवन विद हरिओम के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि वानिकी के बारे में, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। कृषि वानिकी की अवधारणा एक ऐसे तकनीक का प्रतिपादन करती है जो लाभकारी उद्देश्यों के लिए कृषि को वानिकी के साथ जोड़ती है। कृषि वानिकी में पेड़ों को फसल की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ों को खेतों की मेड़ों पर, बांधों पर, जलाक्रांत क्षेत्रों में, सड़कों के किनारे, चारा मैदान पर उगाया जाता है। भारत में कृषि वानिकी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल व पंजाब में काफी लोकप्रिय है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पॉपुलर और यूकेलिप्टस के पेड़ उगाए जाते हैं। देश के कुल क्षेत्र 329.5 मिलियन हेक्टेयर में से 33.3% प्रस्तावित वन क्षेत्र में से 19.39% क्षेत्र ही वनाच्छादित हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में जालौनी लकड़ी की मांग 175 मिलियन टन है, जबकि आपूर्ति 40 मिलियन टन की है, जिसके एवज में 70 मिलियन टन गोबर एवं 40 मिलियन टन कृषि अवशिष्ट को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे कार्बनिक उर्वरकों की कमी की वजह से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो रही है। अब आगे देखते हैं कृषि वानिकी यानी कि एग्रोफॉरेस्ट्री को अपनाए जाने की आवश्यकता क्यों है। इसके माध्यम से उपलब्ध प्राकृतिक वनों को काटने से बचाया जा सकता है। कृषि वानिकी के विकास से नए रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होती है। कृषि वानिकी मृदा की आर्द्रता को संरक्षित रखने में सहायता करती है। कृषि वानिकी में गैर कृषिगत भूमि पर पेड़ आदि उगाकर मृदा को जल और वायु से होने वाले अपरदन से बचाया जा सकता है। भूमि के अधिकांश भाग को अधिक पैदावार हेतु प्रयोग किया जा सकता है तथा मृदा में उपस्थित तत्वों का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है। 2017-18 में कृषि वानिकी के लिए कोई अलग से विशेष प्रावधान नहीं किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। कृषि वानिकी योजना के तहत खेतों की मेड़ और खाली पड़ी जमीन पर बबूल, सुबबूल, साल, बासा, शीशम, नीम, बेर, अमरूद, आंवला, जामुन, नींबू, मुनगा आदि लगाए जाते थे। इससे किसानों को आर्थिक लाभ होता था। उपयोग के लिए लकड़ी मिलती थी और भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता था। किसानों को खेतों की मेड़ और पड़त भूमि पर कम से कम 100 और अधिकतम 1500 पौधे लगाने पर अनुदान दिया जाता था। लेकिन जहां 2016-17 में बजट में इस योजना के लिए 7 करोड़ के धनराशि की स्वीकृति दी गई थी, वहीं 2017-18 के बजट में इस योजना को अलग से कोई बजट नहीं दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।